हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और चैप्टर के साथ एक और ऑनलाइन क्लास में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये चैप्टर जो है वो रिलेशन एंड फंक्शंस है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, ये यूट्यूब वगैरह पर आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वहां पर भी मिलेंगे, बहुत बार डिस्कस हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने फोन किया था कि हमें रिलेशन और फंक्शन जो है उतना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो आप थोड़ा इस लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनिएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो जाए। तो अगर आपके पास सेट थ्योरी जो आपने 11 क्लास में पढ़ा, और अगर आपके पास एक सेट ए है और मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और दूसरा सेट दिया है बी और उसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 6, तब इस ए और बी के बी को लेकर हम एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नाम है, ए और बी को लेकर हम एक प्रोडक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर इसका नाम रखा है, डेस्कॉटस उसका नाम था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो डेस्कॉटस ने हमें इस जो प्रोडक्ट हमें सिखाया है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास दो सेट ए और बी है तो हम इसके बीच में एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं और डिनोट करते हैं इस तरह ए क्रॉस बी, और कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आएगा वो एक सेट आएगा, वो खुद एक सेट आएगा, लेकिन उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर इसे कहते हैं। इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होंगे सच दैट कि इसमें जो पहला एलिमेंट हमने चुना वो हमेशा ए में से होगा, एंड जो दूसरा एलिमेंट आपने चुना वो हमेशा किस में से होगा, बी में से होगा। तो पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी से लेना है। तो जितने भी पेयर आपको पॉसिबल पेयर बनेंगे उन सब का एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के ऊपर। ठीक है, अब इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? पीयर का मतलब तो जोड़ी हो गया, तो इसमें दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं तो ये तो पीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जोड़ी को। अब ऑर्डर क्यों है कि अगर आप किसी जगह ए बी लिखा है या इन पर्टिकुलर 5 और 6 या 5 और 4 लिखा है तो आप इसको इक्वल नहीं मान सकते इसके 4 5 के, कि ये दोनों जो है वो सेम पेयर है, ये नहीं मान सकते हैं। ऑर्डर जो है वो इसमें मैटर करता है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। 5 और 4 बिल्कुल एक अलग सा चीज होगा और 4 5 बिल्कुल कुछ और चीज रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जब कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट जो है लोकेट किए होंगे तो वहां पर 5 और 4 जो है किसी और जगह आएगा, 5 4 यहां कहीं आएगा, लेकिन जो 4 5 जो है वो यहां कहीं आएगा। तो ये बिल्कुल दो अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अब इस प्रोडक्ट को हम इन दो सेट्स के साथ देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये लिखते किस तरह है। तो ए क्रॉस बी, अगर आप यहां पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करना चाहते हैं तो ये कुछ इस टाइप के आएंगे। ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए तो हमने 1 लिया, और दूसरा एलिमेंट बी में से होगा तो 5 लिया, एक तो ये हो गया। ठीक है, और 1 जो है पहले से लिया और दूसरे से 6 लिया और एक ऑर्डर पेयर मिल गया। सिमिलरली इसी तरह आप 2 5 2 6 3 5 3 6 इस तरह सारे जो है पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लेंगे और एक सेट की सूरत में लिखेंगे। दिस सेट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए एंड बी, ए और बी के ऊपर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे
उसको हम कार्डिनेलिटी कहेंगे, कार्डिनेलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा बराबर होगा ए के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है और बी के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ए के अंदर आपको 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय बी के अंदर आपको 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 3 टू आर 6। तो आपके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया इसके अंदर आपको 6 एलिमेंट मिलने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दो मुख्तलिफ सेट का होना लाजमी नहीं है, आप एक ही सेट के ऊपर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द सेट ए। खाली ए सेट एक दिया हुआ है आपको और इसमें फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपको एलिमेंट्स दिए हैं, तो आप इसी के ऊपर ए क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के ऊपर। और ए क्रॉस ए जो है अगर आपको सहूलियत के लिए और एक बार लिखा जाए, अब आप लिख सकते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर्स इस टाइप के, पहले में से ए उठाया, दूसरे में से ए उठाया, ए ए ए बी बी ए बी बी। लेकिन याद रखिएगा इसमें आपको रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नजर आएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि जो पहले जगह पर जो ए एलिमेंट्स आए हैं वो यहां से है और दूसरे एलिमेंट से जो उठाए हैं वो यहां से है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम ए क्रॉस ए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ए क्रॉस एक सेट के ऊपर भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। जब आपने कहा कि ये एक सेट है, जब आपने कहा कि ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ही सही, तो अगर ये एक सेट है तो सेट के साथ और एक लफ्ज जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सबसेट, दैट इज कॉल्ड सबसेट। तो अगर आपके पास एक सेट दिया है तो इसके बहुत सारे सबसेट्स भी बनेंगे, और कितने बनेंगे वो भी हमें पता है, 2^n सबसेट बनेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ओरिजिनल सेट, यानी इस a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है वो n रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल इसके अंदर अगर 6 एलिमेंट मौजूद है तो इसके अगर आप सबसेट बनाने लगेंगे, इसके अगर आप सबसेट बनाने लगेंगे तो वो 2^6 दैट इज इक्वल टू 64 सबसेट्स बनेंगे, इसके कितने 64 सबसेट्स बनेंगे। उन सारे सबसेट्स को, जितने भी सबसेट इस सेट के बनेंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बनेंगे, उन सारे सबसेट्स को रिलेशन बोलते हैं, उन सारे सबसेट्स को रिलेशन बोलते हैं। डिफिनेशन हो गया सिंपल सा, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो इस सेट के ऊपर आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, मैं कहता हूं मैं 64 रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल कुछ उठाना चाहते हैं, 1, 5, 1, 6 एक रिलेशन हो गया, बिकॉज ये जो है सबसेट है इस सेट का। और एक रिलेशन जो है आर टू में डिफाइन कर सकता हूं, ये हो गया 2, 5, 3, 5, 3, 6 अगेन ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये इसके ऊपर एक रिलेशन है, ठीक है। तो इन जनरल आप याद रखेंगे एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए रिलेशन। इस एक सेट दिया होगा ऑर्डर पेयर्स का, इस पर जितने भी सबसेट आप उठाना चाहें उठा लो, उन सारे को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब इन रिलेशन में दो रिलेशन तो आपको हमेशा मिलेंगे, क्योंकि जब हमने सेट के साथ सबसेट की बात की थी, किसी भी सेट का जब हमने सबसेट लिखा था, उसमें दो सेट तो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता था। अगर कुछ याद है, एक था मेरा फाई यानी एम्प्टी सेट और दूसरा था द सेट इटसेल्फ, द सेट इटसेल्फ, जो सेट खुद होता है वो खुद का सबसेट भी होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये जो दो सबसेट्स हैं, अब सबसेट्स है तो रिलेशन तो होना ही चाहिए, तो इन रिलेशंस को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर नेम है इनका,
तो उस रिलेशन को कहते हैं इस एम्प्टी वाले रिलेशन, फाई वाले रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और जो द सेट इटसेल्फ है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ये दो टाइप जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक रिलेशन भी है अगर आप याद रखना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये याद रखने लायक है, इसको भी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये वो रिलेशन होता है जिसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होता है वो हमेशा सेम होता है, दोनों एक जैसा ही होता है। कुछ इस टाइप के रिलेशन अगर आपको मिलता है, 1 1 2 2 3 3 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, अगर कुछ इस टाइप का रिलेशन अगर आपको मिलता है तो आप कहेंगे इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इन जनरल ए ए टाइप के रिलेशन अगर आपको मिलता है कुछ, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, या ए ही सेट के ऊपर होगा तो वेयर ए बिलोंग्स टू ए। तो इन जनरल अगर किसी भी रिलेशन में अगर आपको हर एक ऑर्डर पेयर में दोनों जो नंबर्स या कुछ फंक्शन वगैरह कुछ भी हो दोनों अगर सेम मिले तो आप उसको कहेंगे कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम की कमी है, हम प्रॉपर डिफिनेशंस वगैरह जो है यहां पर लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो टाइप जो थे ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स है रिलेशंस के, वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आपको इंपॉर्टेंट आपके बुक से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो अगर आपके पास ए रिलेशन आर, नाम रखेंगे आर इसका, ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए, हमने कहा था ना किसी एक ही सेट के ऊपर भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उसके सबसेट भी बनेंगे, वही रिलेशंस हो गए, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। उस रिलेशन को हम एक स्पेशल नाम देंगे रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर Each A belongs to A, ठीक है। तो एक रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर A में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट A के अंदर है उन सब का जो सेम ऑर्डर्ड पेयर, यानी दोनों एलिमेंट सेम वाले, कुछ आइडेंटिटी वाला ही कुछ नजर आ रहा है, वो सारे एलिमेंट जो है अगर R के अंदर मौजूद होगा तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ए ए जो है वो आर में होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये आइडेंटिटी जैसा ही हो गया। हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी जैसा ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। जब आप आइडेंटिटी रिलेशन लिखते हैं तो उसमें सारे ए ए टाइप के एलिमेंट्स तो होंगे आइडेंटिटी में, सिर्फ ये आइडेंटिटी में सिर्फ ओनली ए ए टाइप के एलिमेंट ही मौजूद होंगे वहां पर। लेकिन अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो इसमें सारे ए ए टाइप के एलिमेंट्स तो होंगे, ऐसे एलिमेंट्स तो सारे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट हो सकते हैं इसमें, ए बी टाइप के या बी सी टाइप के एलिमेंट्स इसमें और भी हो सकते हैं, इससे इसकी रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिटिल ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। शर्त सिर्फ इतना है कि हर एक ए के लिए सारे ए ए वाले ऑर्डर्ड पेयर जो है उसमें होने चाहिए, इसके अलावा अगर और एलिमेंट इसमें मौजूद है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी में शर्त है, ए ए वाले एलिमेंट, ए ए वाले ऑर्डर्ड पेयर तो उसमें होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फर्क है। तो यहां से एक सिंपल सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव,
हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो सही है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में बाकी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. दूसरा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन. ये कौन से रिलेशन हो गए? ए रिलेशन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, BA belongs to R. BA belongs to R. तो ये डिफिनेशन हो गया सिमेट्रिक का. ये डिफिनेशन हमें कहता है कोई रिलेशन हमारे पास है उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कह सकते हैं. कब? अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर R में मौजूद है AB यहां पर हम जनरल ले रहे हैं 2, 6, 2, 5, 1, 3 ऐसा कोई एलिमेंट AB जो है अगर R में मौजूद है तो इसका अपोजिट यानी BA जो है वो R में होना लाजमी है. मिसाल के तौर पर एक रिलेशन था उसमें मैंने देखा 2, 3 है. क्या है? 2, 3. तो किसी और जगह यहां पर 3, 2 वाला एलिमेंट भी उस R के अंदर लाजमी तौर पर होना चाहिए. अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. लेकिन अगर ये हर एक एलिमेंट ऐसा जितने भी एलिमेंट्स और इसमें मौजूद है 5 और 6 होगा तो 6, 5 होना चाहिए. 2, 1 वाला ऑर्डर पेयर है तो 1, 2 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए. तो हर एक ऑर्डर पेयर का अपोजिट वाला ऑर्डर पेयर अगर उसमें मौजूद है किसी रिलेशन में, ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे. क्या कहेंगे? सिमेट्रिक. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल एक उठाएंगे, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड का उठाएंगे. ठीक है, चलो फ्रेंड एक रिलेशन है. तो किसी ने कहा इसका नाम आर रखेंगे और आर मेरा फ्रेंड का रिलेशन है एक सेट के ऊपर. तो इसने कहा फॉर एग्जाम्पल जाकिर फ्रेंड है अकबर का. ठीक है, चलो एक ही ऑर्डर पेयर उठाएंगे. क्या इसका अपोजिट वाला स्टेटमेंट सही होगा? जाकिर इज ए फ्रेंड ऑफ अकबर. तो क्या इसका अपोजिट स्टेटमेंट सही हो जाएगा? अकबर इज फ्रेंड ऑफ जाकिर. हाँ बिल्कुल सही है. अगर जाकिर अकबर का फ्रेंड है तो अकबर जाकिर का फ्रेंड हो जाएगा. तो इस टाइप के प्रॉपर्टी अगर आपको किसी सेट में मिलता है तो उसको कहेंगे कि ये जो है एक सिमेट्रिक रिलेशन है. क्या है? सिमेट्रिक. उसके बाद आते हैं थर्ड केस इसका, थर्ड वाला टाइप, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव. तो ए रिलेशन आर, मैं लिखूंगा नहीं यहां पर जो हमने अभी लिखा वही, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. इज कॉल्ड ट्रांजिटिव अगर फॉर ऑल AB belongs to R, BC belongs to R, then AC जो है वो R में होना चाहिए. तब ऐसे relations को हम कहेंगे कि ये क्या है? Transitive है. यानी आपका A element जो है वो B के साथ related है, B element जो है वो C के साथ related है. जो भी रिलेशन हमें दिया हुआ है उसके तहत ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है. तो ए जो है वो सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए. अगर किसी सेट में इन जनरल 2, 3 मौजूद है और 3, 5 मौजूद है इस टाइप का, तो इस सेट के अंदर आपको देखना है 2, 5 होना ही चाहिए. 2, 3 भी है, 3, 5 भी है, तो 2, 5 इस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए.
अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ऐसे रिलेशंस को हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो तीन टाइप के रिलेशंस आ गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और आपका जो सिलेबस या एक्सरसाइज जो है बिल्कुल इन्हीं तीन के ऊपर ये फर्स्ट एक्सरसाइज चलता है कि आपको बहुत सारे रिलेशंस दिए हुए होंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं लिए इन डेफिनेशन को समझाते वक्त, ठीक है, ताकि हम अपने एक्सरसाइज को साथ में खत्म करके एज एन एग्जाम्पल उठाएंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको इन तीनों रिलेशंस के बारे में पढ़ना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो आपके बुक का एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, और इसका पहला ही क्वेश्चन उठाएंगे हम, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपको verify या determine करना है कि हमने नीचे कुछ relations दिए हैं, वो relations reflexive है कि नहीं, symmetric है कि नहीं और transitive है कि नहीं। और पहला relation एक set के ऊपर है A, और उस set के अंदर जो elements दिए हैं वो दिए हैं 1, 2, 3, so on to up to 14 तक दिया है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 इस सेट के ऊपर। तो इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है इन्होंने R, R के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहते हैं ऑर्डर पेयर के शक्ल में होंगे, हाँ डिफिनिशन कहता है। तो लेकिन इन रिलेशंस में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, कौन से ऑर्डर पेयर उठाने हैं, क्योंकि अगर आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो 14x14 आएगा, ए क्रॉस ए जब आप बनाने लगेंगे वो सेट हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए क्रॉस ए, 14x14 द समथिंग 196 ऐसा कुछ। तो उस 196 पेयर जो आपको मिलते हैं उसमें से चुन चुन के वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 3x minus y = 0, यानी सिर्फ वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं। आपको इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे ना, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 14, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 14, 3, 1, इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे। कहते हैं उनमें से सिर्फ वो ऑर्डर पेयर उठाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 0 आने वाले, तो आंसर 0 आने वाले। तो अगर आप R को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो R में क्या क्या आ सकता है, तो X का वैल्यू हम 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 रखा हमने, 3 1s are 3, तो X का वैल्यू मैंने 1 रखा। तो y कितना होगा कि आंसर 0 आए, तो y आपको 3 1s are 3, 3 minus 3 is equal to 0, तो इस रिलेशन के तहत तो 1 3 आपके सेट में आता है, रिलेशन में आता है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट है 2, 2 3s are 6, तो 2 और 6 जो है वो रिलेट हो गया, 3 और 9 रिलेट हो गया, 4 और 12 रिलेटेड हो गया। कुछ बच्चे यहाँ पर फिर लिखते लिखते, मैं क्लास में एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो लिखते जाता है 5 के साथ वो कहता है 15 रिलेटेड होगा, 6 के साथ 18 रिलेटेड होगा, वो आगे तक जाता है। लेकिन उसे ख्याल रहना चाहिए कि आप अगर आप 5 उठाते हैं x की जगह पर तो 15 आता है, तो 5 और 15 वाला ऑर्डर पेयर तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं, कैसे मिलेंगे आपको, तो सिर्फ 14 लास्ट एलिमेंट है। तो यहां पर ये सेट रुक जाएगा, सिर्फ इतने ही एलिमेंट जो है आपके आर में मौजूद होंगे। तो अब आप ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं, तो क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, आप ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि दोनों एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए थे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, up to 14, 14, क्योंकि हमने फॉर ईच एलिमेंट कहा था हर एक एलिमेंट। इसमें अगर आपको ये होता, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगर इस R में मुझे आ जाता 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 तक आ जाता, तो वो कहते ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना। आप A के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है वो सारे जो है
सेम पेयर वाले एलिमेंट वो पूरे एलिमेंट के लिए होना चाहिए, 1-1 से लेकर 14-14 तक के अगर सारे एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आ जाए तब इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन जो है इसमें 1-1 हम काउंटर एग्जांपल से बोल सकते हैं, सिंस 1-1 2-2 सो ऑन टू 14-14 does not belongs to R, therefore R is not reflexive. R is not reflexive. R जो है वो reflexive नहीं है। इस तरह दूसरा तरीका भी है reflexive के लिए क्या होना चाहिए, XX जो है वो R में होना चाहिए, 3X minus X जो है वो जो है आपको 0 आना चाहिए। इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, That is 2x is equal to 0 आपके बराबर होना चाहिए, which implies x is equal to 0 आपको लेना पड़ेगा, but 0 does not belongs to A, आपके सेट में 0 तो है ही नहीं, तो x जो है वो 0 उठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब R is not reflexive। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ बच्चों को इस तरह काउंटर एग्जाम्पल से अगर वो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैथमेटिक्स में याद रखेगा कोई चीज गलत साबित करने के लिए एग्जाम्पल काफी होता है, हाँ सही साबित करना है फिर आपको प्रूफ देना होता, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के बारे में आपका क्या राय है, मैं यहां पर इस ऑर्डर पेयर 1-3 मौजूद है, 3-1 नहीं है, खत्म। 1-3 बिलोंग्स टू आर, 1-3 बिलोंग्स टू आर, बट 3-1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्या ये ट्रांसिटिव है, तीसरा केस जो है मेरे पास ट्रांसिटिव का था, ट्रांसिटिव तो मैं देखता हूं इस रिलेशन में 1-3 तो R में है, 1-3 बिलोंग्स टू R, 3-9 बिलोंग्स टू R, बट 1-9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1-9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो अगर ये R में मौजूद नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो गया, implies R is not transitive, R is not transitive, तो यह ख्याल रखेंगे, ठीक है। यहां पर मेरा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।